एसटीईआरएफ के 10 जवानों को भेजा मऊगंज, रीवा होमगार्ड कमांडेंट बोले कोई भी जवान कहीं नहीं गया। डीजी ने कहा कि हमने नहीं भेजा कोई आदेश। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ अंजना और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। तो चलिए बढ़ते हैं आज की बड़ी खबर की ओर। आपदा के समय अपनी जान हथेली पर रखकर आम जनता की जान बचाने वाले एसटीईआरएफ के जवानों के साथ रीवा के अफसरों ने राजनीति शुरू कर दी है। यहाँ होमगार्ड कमांडेंट अजय कश्यप पर जवानों ने परेशान करने का आरोप लगाया है और कहा है कि साहब अपनी मर्जी से आदेश जारी कर देते हैं। उन्होंने 13 अक्टूबर को रीवा होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय से मऊगंज जाने के आदेश दे दिए। जवान नए बस स्टैंड पहुँच भी गए। जब भोपाल डीजी कार्यालय से फटकार मिली तो जवानों को पुनः बुला लिया है। अब जवानों को डर है कि कहीं एसडीईआरएफ से होमगार्ड बनाकर फिर से मऊगंज कहीं ना भेज दिया जाए। चर्चा है कि मऊगंज कलेक्टर के पत्र पर अपने से होमगार्ड कमांडेंट ने निर्णय लिया था, बाद में वरिष्ठ कार्यालय से कोई आदेश न आने के कारण बैकफुट पर आ गए। क्या है एसडीईआरएफ जवानों के स्थानांतरण का नियम? होमगार्ड मुख्यालय द्वारा पत्र क्रमांक 3385 जारी कर एसडीईआरएफ जवान का मुख्यालय से स्थानांतरण नहीं करने के आदेश उल्लेख किया है कि होमगार्ड व एसडीईआरएफ बल के लिए उपलब्ध व्यवस्थाओं का जायजा लेकर मुख्यालय को सूचित करें, पर कमांडेंट ने सही जानकारी ना भेजकर अपनी तानाशाही दिखाई। वे बिना आदेश के ही 10 जवानों को मऊगंज रवाना करने का आदेश थमा दिया। अवकाश के नाम पर वसूली जाती है मोटी रकम। नाम न बताने की शर्त पर कुछ लोगों ने बताया कि 4 माह पूर्व रीवा को 36 एसडीईआरएफ जवान मिले हैं। जब ये जवान अवकाश मांगते हैं तब जिम्मेदार रकम मांगते हैं, हालांकि रीवा के जवानों की ओर से फूटी कौड़ी नहीं मिली। ऐसे 10 जवानों को चुनकर परेशान किया है। इस कार्य में ईडी प्रभारी एवं एक हवलदार भी शामिल है। वह डंके की चोट पर पैसा लेता है, जो नहीं देता उसका काम बिगाड़ देता है। तैनाती के ये है नियम। गौरतलब है कि होमगार्ड और एसडीआरएफ जवानों की तैनाती जिले के बाहर करने का नियम नहीं है, जब तक कि उनकी सहमति ना हो। पर कमांडेंट का कहना है कि अगर जोखिम भत्ता लेना है तो सेवा तो करनी पड़ेगी। अब देखना यह है कि होमगार्ड मुख्यालय और कलेक्टर द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की जाती है। होमगार्ड कमांडेंट कार्यालय से एसडीआरएफ का कोई भी जवान कहीं नहीं गया है। नवरात्रि में डैम आदि में रेस्क्यू के लिए बल मांगा गया है। मऊगंज निवासी जिला है। 10 जवानों के भेजने का कोई आदेश नहीं आया है, ना ही हम जारी किए हैं। अजय कश्यप, होमगार्ड कमांडेंट। हमारे स्तर से कोई आदेश नहीं भेजा गया है। मऊगंज कलेक्टर की ओर से होमगार्ड के 30 जवान मांगे गए हैं। 20 जवानों को कलेक्टर व 10 जवान एसपी कार्यालय में लगेंगे। अभी हमने कोई व्यवस्था नहीं बनाई है। आने वाले दिनों में भोपाल स्तर से निर्णय होगा। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।